शंकर लाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। शंकर लाल जी बताइए क्या सवाल है आपका। आर्थिक विद्युत मेरे पास शेयर पड़े 110 मिनट तो उसको को होल्ड रखना है निकाल लेने का। आरती ड्रग्स गौरव क्या करना चाहिए आरती ड्रग्स में 527 की खरीद है इनकी। देखिए अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका अगर देखेंगे तो यहाँ पे रेंज बाउंड ही रहा है, जहाँ पे जो हर्डल्स हैं वो 450 के थे और सपोर्ट सबको देखने मिले 380 के। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं वो है 400 का, जहाँ से हमको फिलहाल अभी देखने मिला था एक अपसाइड। उसके नीचे का जाएगा तो एक बार एग्जिट कीजिए, कोई उछल अगर देखने मिलती है तो आप एग्जिट के मौके ढूंढें। जैसे मैंने कहा जब तक 450 सस्टेन नहीं होता है स्टॉक एक रेंज में रहेगा, रेंज बाउंड स्टॉक को होल्ड करके फ्रस्ट्रेशन बढ़ता रहेगा। तो मेरे सबसे उछाला मौके ढूंढिए, स्टॉप लॉस निकले जो रहेगा 400 का। तो ये राय बनती है आरती ड्रग्स में। एक और सवाल फटाफट लेते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हितार्थ सूरत से। हितार्थ बताइए क्या सवाल है आपका। यस मेरा सवाल है कि जोमेटो शेयर मेरे 60 रुपए के एवरेज पे 5000 शेयर है, 110, 56 और 52 पे लिए है, तो अब क्या किया जाए। आपने पहले 110 पे खरीदे थे। यस 110 से खरीदे, फिर 56 पे 2500 और 52 पे 2000। अच्छा मतलब 110 से लेकर के 55-52 तक खरीदते खरीदते अब जाके एवरेज आया 60 का और शेयर इकट्ठा हो गए 5000। गौरव जोमेटो में आज एक डील भी हुई है, ऊबर ने अपने शेयर बेचे हैं और स्टॉक इस समय 54 रुपये पर ट्रेड कर रहा है 2% नीचे। बहुत सारे लोगों की क्वेरी, बहुत सारे इन्वेस्टर्स में है जोमेटो में, और कल इसमें रिजल्ट के बाद 20% की रैली और आज 2% नीचे, क्या करना चाहिए इसमें। देखिए फिलहाल बने रहना चाहिए, 50 का जो उसका प्रीवियस सिंगल था उसके नीचे ब्रेकडाउन देखिए, अभी फिलहाल उसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब तक सस्टेन करेगा 50, यहाँ पे थोड़ी और उछाल देखने मिल सकती है। स्ट्रक्चर अभी भी कहेंगे आउट ऑफ द वुड्स वैसा नहीं हुआ है, लेकिन जो प्रीवियस स्विंग लो था इनके लिए मैं वही सोचाऊंगा 40 रुपए का, जहाँ पर मैं देखेगा उसके बाद में वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, डील्स भी आपको ब्लॉक भी यहाँ पे देखने मिल रही है, तो वो आप स्टॉप लॉस यूज कीजिए। उसके नीचे का जाएगा तो आप एग्जिट कर लीजिएगा, और स्ट्रक्चर थोड़ा खराब है तो आपको बहुत ईजिली पैसा ऊपर आएगा ऐसा मुझे फिलहाल लग तो नहीं रहा है। ओके तो इसमें फिलहाल रुकिए, अभी आप देखिए आपका प्राइस आया तो फिर इसमें एक्शन होगा। एक और सवाल क्विकली लेते हैं, हमारे साथ है राजेश नागपाल बंगलुरु से। राजेश जी बताइए क्या सवाल है आपका। बाजार में कब कौन सा शेयर खरीदना है और कब कौन सा बेचना है, अगर आपको इसकी जानकारी है तो आप भी कमा सकते हैं लाखों, और वो भी हर महीने, और एल्गो ट्रेडिंग इसी काम में आपकी मदद करता है। बाय सेल स्टॉप लॉस टारगेट सब कुछ ऑटोमेटिक है, आपके अकाउंट में आएगा तो सिर्फ प्रॉफिट। और सिर्फ इतना ही नहीं, साथ ही आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक्सपर्ट द्वारा तैयार किए गए चुनिंदा पोर्टफोलियोज में निवेश का मौका। तो अधिक जानकारी के लिए अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। नमस्कार सुप्रभात जी, मैंने रियल एस्टेट सेक्टर में गोदरेज प्रॉपर्टीज को चुना था और मैंने 100 शेयर खरीदे हैं 1650 के भाव से मई के महीने में, और मेरा शॉर्ट टर्म का नजरिया था 6 महीने से 8 महीना, तो ये तो फिर काफी नीचे चला गया था, फिर अभी ऊपर आया है पर आज 2 दिन से फिर नीचे आ रहा है। तो मेरा यही प्रश्न है कि इसमें निवेश में रहूं या इसमें और ऐड करके एवरेज करूं, या आपकी जो सलाह होगी, या सेल करके निकल जाऊं यहां से। जी गोदरेज प्रॉपर्टीज के रिजल्ट आए कल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट आप देखेंगे तो काफी कमजोर है, एडजस्टेड एबिटा में भी काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली है, और उनके जो MD हैं अरोड़ा साहब मोहित ने भी रिज़ाइन किया है, नए आए हैं, काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं और स्टॉक में उसका प्रेशर साफ देखने को मिल रहा है। गौरव गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ले रखा राजेश जी ने 1650, 6-8 महीने का नज़रिया है इनका, मई में लिए थे लेकिन स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्या करना चाहिए, क्या एग्जिट ले लें या होल्ड करें। ये देखिए निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी हमको देखने मिली है स्टॉक में, और फिर जैसे चर्चा कर लिया उसके बाद से सीरीज ऑफ लोअर लो लोअर हाई डाउन ट्रेंड में चल रहा था, अब अंदेशा है कि यहाँ पे शायद थोड़ा होल्ड आ जाए, और यदि स्पेस अभी फिलहाल थोड़ा स्टेबल लग रहा है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1345-1350 के स्टॉप लॉस आप बने रहिए, अगर ये टूटता है तो आप एग्जिट कर लीजिए, फिर एक नया स्विंग लो बन सकता है, तो एक्सट्रीम स्टॉप लॉस 1345। अच्छा एक सवाल दो लेते हैं फटाफट जल्दी से, SBI पे बातचीत करने जाते हैं इंद्रमल राठौर जी मंदसौर से। इंद्रमल जी बताइए क्या सवाल है आपका। सर मेरे पास SBI के 600 शेयर है 504 से, तो अभी होल्ड करूँ या फिर।
गौरव होल्ड करें क्या इसको, रिजल्ट आने शनिवार को, 543 पे चल रहा फायदा इनको अभी? देखिए रिजल्ट के पहले है, मुनाफे में है और थोड़ा बैंक निफ्टी थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है, मेरे हिसाब से बुक कर लेना चाहिए। अनलेस इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है कि 2-3 साल रखना चाहता हूँ तो अलग बात है, बट अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है एक बार बुक करना बेहतर होगा। और एक सवाल और लेते हैं, केसी ठाकुर अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ठाकुर साहब बताइए क्या सवाल है आपका? सर मैंने IVL इंद्रप्रस्थ गैस का 140 शेयर लिया था 480 में, और मैं 3 साल तक इसको होल्ड कर सकता हूँ। ओके करो, 3 साल तक होल्ड कर सकते हैं इंद्रप्रस्थ गैस, लेकिन इनके बाइंग से 125 रुपये नीचे है। अच्छा आज ही खबर भी है कि MGL ने दाम बढ़ा दिए 6-4 रुपये LNG PNG के। दाम तो ये लोग लगातार बढ़ा ही रहे लेकिन फिर भी IGL काफी नीचे आ गया, क्या करें? देखिए अगर इनका नजरिया 2-3 साल का है या थोड़ा ज्यादा का, तो यहाँ पे बिल्कुल बने रहना चाहिए। इंद्रप्रस्थ गैस जो है उसका जो प्राइस है मंथली चार्ट पे HMO क्लाउड के नजदीक ट्रेड कर रहा है, जो फाइनल सपोर्ट्स होते हैं। और अगर आप देखेंगे तो 2012 से उसके 2010 से क्लाउड के नीचे जनरली स्टॉक ट्रेड नहीं करता है, तो वो लिहाज से मुझे लग रहा है कि एक अच्छी अपसाइड आपको यहाँ से फिर से देखने मिल सकती है, आप बने रह सकते हैं। ओके तो IGL में ये राय मिलती हुई, गौरव बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। दोस्तों मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेल्थ बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।